सियाटो और सेंटो पैक्ट साइन कर ली, लेकिन वो सियाटो और सेंटो पैक्ट के तहत ना पाकिस्तान की पैसठ की जंग में मदद हुई, और ख़ासतौर पर पैसठ की जंग के बाद तो अमरीका ने बिल्कुल पाकिस्तान को अकेला छोड़ ही दिया। फिर हम देखते हैं कि 71 की वॉर में तो पाकिस्तानी इंतज़ार करते रहे कि अमरीकी फ्लीट आएगी और हिंदुस्तान की जो एग्रेशन है उससे पाकिस्तानियों को बचाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर पाकिस्तानियों ने अमरीकियों का साथ अफगानिस्तान जिहाद के दौरान भी दिया और इस उम्मीद में रहे कि ये दोस्ती अब ताबिंदा रहेगी, हमेशा कायम रहेगी। लेकिन हिलरी क्लिंटन की अपनी तकरीर मौजूद है अमरीकियों के सामने जिसमें उन्होंने इस गलती का एतराफ़ किया कि उन्होंने पाकिस्तान को उस मौके पर अकेला छोड़ दिया। और ख़ास तौर पर अगर आज का दौर देखें जब 9/11 के बाद पाकिस्तानियों ने सिर्फ अपनी खिदमत ही नहीं पेश की बल्कि अपने जानों के नजराने भी पेश किए उस जंग के लिए जो कि शायद पाकिस्तानियों की अपनी जंग नहीं थी, तो फिर हम देखते हैं कि उस वक्त भी पाकिस्तानियों पे जो जिस किस्म का प्रेशर डेवलप किया गया और फिर पाकिस्तानियों की तजलील एबटाबाद ऑपरेशन रेमन डेविस के वाक़े के ज़रिए और इस किस्म के वाक़ात के ज़रिए की गई, उससे साफ ज़ाहिर हो गया पाकिस्तानी और मुस्लिम आवाम को कि अमरीका जब भी कोई एक्शन लेता है वो यूनिलैटरली लेता है, अपने मफाद को मद्देनज़र रखता है, अपने दोस्तों के या अपनी खिदमत करने वालों के मफादात को बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखता। तो ये राय कोई तासुब की बुनियाद पे मुसलमानों की मेरे ख्याल से कायम नहीं है बल्कि इसका एक पूरा तारीखी पस मंज़र है, और वो लोग जो कि इन तारीखी पस मंज़र के एक वाक़े को भी याद रखेंगे जब उनसे इस किस्म का सवाल पूछा जाएगा कि क्या अमरीका आपके कौमी मफाद को मद्देनज़र रखता है, तो वो उसका जवाब नहीं ही में देंगे। इसी किस्म से हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी अमरीकियों ने जो अभी कारज़ाई की हुकूमत कायम की है वो कोई ख़ातिर ख्वाह अफगानी आवाम की खिदमत नहीं कर सकी। अगर 1995 के अफगानिस्तान को देखें और आज के अफगानिस्तान को देखें तो कोई ख़ास फ़र्क मौजूद नहीं है, ना तालीम में कोई ख़ास इजाफा हुआ है, ना लोगों के रोज़गार में कोई ख़ास इजाफा हुआ है, बल्कि जिस किस्म के तसादम उस मुल्क में हो रहे हैं वो सिर्फ यही साबित करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी है और मुसलमानों के मफाद को मद्देनजर नहीं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और अपने इस डिस्कशन को जो आलमी राय अम्मा जानने के लिए है उसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आगाज़ करते हैं और डिस्कशन हमारा हो रहा था कि नुमान आप ज़रा देखिए इसको किस तरह से आप किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जॉर्डन और लेबनन वगैरह के मुल्कें ममालिक के लोग अपनी हुकूमतों को प्रो अमेरिका समझते हैं, इसके बरक्स हम देखते हैं इजिप्ट टर्की और इंडोनेशियन जो पब्लिक है मुस्लिम पब्लिक वो अमेरिका से उतना करीब नहीं समझते अपनी हुकूमतों को, इसके क्या असबाब हैं कि वो ऐसा समझते हैं? तुर्की और मिस्र का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो बहुत बात साफ और आया है इस हवाले से कि हम देखते हैं कि तुर्की के अंदर पिछली दो टर्म्स से तैयब अर्दोगान की हुकूमत कायम है और तैयब अर्दोगान ने जिस किस्म से अपनी हुकूमत को उठाया है वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट हुकूमत है और बहुत ही कॉन्फिडेंट हुकूमत है, उनके में बहुत ज़्यादा एतमाद है, और वो जिस किस्म से अपनी पॉलिसियाँ बना रहे हैं वो ना अंदर से अपनी फ़ौज का कोई प्रेशर लेते हैं और ना ही मगरबी प्रेशर लेते हैं, वो बहुत ही आज़ादाना राय रखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि फ्रीडम फ्लोटेला जैसी जहाज़ को वो भेजते हैं और उस पर बहुत ही जारहाना अपना कदम रखते हैं, तो उससे तुर्की आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है उनको अपनी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा एतमाद है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो किसी बैरूनी दबाव के तहत नहीं कर रहे बल्कि अपनी और अपनी आवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। जब हम मिस्र पर आते हैं तो मिस्र के अंदर हम ये देखते हैं कि ये सर्वे जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये सर्वे मई 2011 में हुआ था, यानी कि इस वक्त तक अरब स्प्रिंग के तहत हुस्नी मुबारक की हुकूमत को हटाया जा चुका था और मिस्र के अंदर एक अमूमी आवाम की राय ये थी कि उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली है, उन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली है जो कि एक आज़ाद मुमलकत को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए कायम करनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक मिस्र से जो आपको ये नंबर कम नज़र आ रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह उस अरब स्प्रिंग का या उस इनकलाब का जिसकी वजह से हुस्नी मुबारक की हुकूमत हट गई उसका नतीजा है। इंडोनेशिया के मामले में ज़रा ज़्यादा थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया में भी जमहूरियत पिनप रही है और पिछले 15-20 सालों से वो एक आज़ादाना तौर पे सुहार्टो की हुकूमत के बाद से उनके यहाँ एक मुसलसल एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उनके अंदर एक राय डेवलप होती चली जा रही है कि हम एक आज़ाद ममलकत हैं और हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो आज़ादाना तनाजुर में सेट होती हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इंडोनेशिया को देखें तो इंडोनेशिया वो मुस्लिम मुल्क के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की वहाँ मौजूद है, लेकिन जिसको मुसलमानों के हॉट स्पॉट्स कहते हैं
जो फॉरेन पॉलिसी के हॉट स्पॉट्स हैं, मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन या इराक या अफ़गानिस्तान या कश्मीर, उससे वो जुग्राफियाई तौर पे ज़रा हट करें, तो उनकी हुकूमत पे एज सच मेरे अपने नज़दीक इतना प्रेशर भी नहीं आता जैसा कि पाकिस्तानी या जॉर्डन या मिस्री हुकूमतों पर आता है, और वो इतना प्रेशर फील भी नहीं करते जिस किस्म से बाकी मुस्लिम दुनिया फ़िलहाल फील करती है। तो मेरे नज़दीक ये तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से इन तीन ममालिक में काशिप। अच्छा, वहाँ पे एक वाक़ा ईस्ट तैमूर का हो चुका है जिसके अंदर जो है वो ईस्ट तैमूर जो है वो एक क्रिश्चियन रियासत के तौर पे सामने आई है, लेकिन वहाँ पे ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रहता है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अमेरिका से ऐसा नहीं रहता, गो के जैसे उन्होंने कहा हॉट स्पॉट, लेकिन वो एक वोलेटाइल दुनिया भी है। वहाँ पे मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वहाँ पे एक बम धमाके का केस भी आजकल चल रहा है जिसके अंदर एक आलमी दीन, लेकिन वहाँ पे एक पोटेंशियल वोलेटाइल मौजूद है वहाँ पे, जो किसी वक्त भी जो है वो किसी लावे की सूरत में फट सकता है कि चौथी चीज़ें चल रहा है। लेकिन उनकी आवाम बहरहाल ये देखती है कि उनकी गवर्नमेंट राइट अमाउंट, मतलब उस सवाल के अंदर एक चीज़ ये थी कि अब के ताल्लुकात जो है वो अमेरिका से कम बहुत ज़्यादा देखते हैं, कम देखते हैं या बिल्कुल राइट अमाउंट में देखते हैं, तो उनके लोग समझते हैं कि राइट अमाउंट में देखते हैं। तो उसकी एक तशरीह या चीज़ ये की जा सकती है कि वहाँ पे उनकी हुकूमत ना बहुत ज़्यादा दबती है ना बहुत ज़्यादा उनको इंगेज करती है, तो हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हों, लेकिन वहाँ भी इशू इनका इंटरेक्शन उस जुग्राफियाई लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर ज़्यादा गासिब कुव्वत के तौर पर जो है वो देखी और समझी जाती है। अगर आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे तो शायद वहाँ पे नंबर्स कम आ रहे होंगे, लेकिन आप टोटल वेस्ट के कंसेप्ट में देख रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ पे नंबर दूसरे हैं। अच्छा, 9/11 के बाद जो अमेरिका ने जंग शुरू की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उसकी इत्तेहादी भी है इस जंग में, लेकिन जब हम पाकिस्तानी राय अम्मा मालूम करते हैं और दूसरे मुस्लिम ममालिक की राय भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजों का इनखिला, इस पे हम सवाल करते हैं तो पाकिस्तानियों की गालिब अक्सरियत 68%, यानी आप कह सकते हैं कि 10 में से 7 अब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहिए, और यही इससे ज़्यादा या इसके आसपास ही हम देखते हैं कि लेबनन में भी, इंडोनेशिया में भी, इजिप्ट में भी, जॉर्डन में भी, टर्की, तमाम मुसलमान ममालिक में गालिब अक्सरियत ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन्स निकलें। क्या वजह है? इनकी हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन इनके शहरी जो हैं मुसलमान शहरी इनके, वो ये कहते हैं कि वहाँ से अमेरिकन फ़ौज निकले, इसके क्या असबाब हैं? जहाँ तक हुकूमत और आवाम का ताल्लुक है तो वो तो हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुसलमान हुकूमतें मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं बल्कि किसी और कुव्वत को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आवाम की क्यों राय है कि जी अफगानिस्तान से निकला जाए, तो उसके भी कई वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर आप देखें कि 10 साल हो गए तकरीबन अफगानिस्तान में आए हुए, अगर 1,000-2,000 अफराद 9/11 के सानहे में अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर हलाक हुए थे, तो आज तकरीबन 3-4 लाख मुसलमान, और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के नतीजे में अफराद हलाक हो रहे हैं वो काउंट नहीं है। ये सिर्फ इराक और अफगानिस्तान का नंबर है, और ये भी कम नंबर है मेरी अपनी राय में 3-4 लाख का। अगर वो 3-4 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं तो जो मैग्नामिटी है या जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है, जितनी तादाद में मुसलमान मर चुके हैं, वो आई फॉर एन आई या आग के बदले आग के कानून के मुताबिक भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मुसलमान इस खून रेजी से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि पुरअमन दुनिया कायम हो, और वो उस पुरअमन दुनिया की तरफ कदम जो उठता है वो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला का बनता है। नंबर दो, ये जंग 10 साल से चलती चली आ रही है, और इस 10 साल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि अमरीका फतह के कहीं भी नज़दीक नहीं है, वो काबुल के बाहर अपनी रिट कायम नहीं कर सका है, और कारजाई जो हैं वो भी कोई काम अफगानिस्तान के अंदर कर नहीं पा रहे। तो पाकिस्तानी आवाम और मुस्लिम आवाम की राय यही बनती चली जा रही है कि अफगान आवाम अपना फ़ैसला खुद ही कर सकती है, वो एक आज़ाद और गयूर कौम है, और अगर दुनिया की तारीख के पस मंज़र में देखा जाए तो चंद ही उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं अकवाम जो कि हमेशा से आज़ाद रही हैं। तो आज़ाद अकवाम को आज़ाद ही छोड़ देना मुस्लिम उम्मत के नज़दीक एक सही पॉलिसी है, और इस पॉलिसी का अगर आप सही मानों में जायज़ा लें तो ये पॉलिसी सिर्फ अफगान आवाम को या सिर्फ पाकिस्तानियों ही को फ़ायदा नहीं देगी, मुसलमानों ही को फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि अमरीकी आवाम के भी फ़ायदे में है, और इसके बारे में भी हम आगे गुफ्तगू कर सकते हैं कि खुद अमरीकी आवाम इस चीज़ को किस तनाज़ुर में देखती है। बड़ी दिलचस्प, सॉरी मदद करता हूँ, तलाग्रामी की बड़ी दिलचस्प बात की आपने, सवाल ये किया है कि इस्लामी ममालिक के अंदर ख्याल ये पाया जाता है कि चले जाएँ, लेकिन ये ख्याल इस्लामी ममालिक से कहीं ज़्यादा खुद अमेरिका और अमेरिकन आवाम के अंदर पाया जाता है।
अमेरिकन आवाम से भी जो परसों 3-4 दिन पहले ही एक